सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ किसी भी रियलमी डिवाइस में कैसे आप फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट वाला फ़ॉन्ट पसंद नहीं है और यहाँ पे अगर आप अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, देन इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप सभी लोग देख रहे हैं टेकवाच यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए टेकवाच यूट्यूब चैनल को इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और साथ में यहाँ पे जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो गाइस, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आप सभी को एक जिप फाइल को डाउनलोड करना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर को आप सभी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे फोन स्टोरेज पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आप सभी को चले जाना है ऑल फाइल्स पे। ऑल फाइल्स पे जाने के बाद यहाँ पे जो डाउनलोड फोल्डर है इसे आप सभी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे वो जिप फाइल देखने को मिल जाएगा जिसे आपने डाउनलोड किया था। तो इसके ऊपर लिखा होगा फॉन्ट 30, तो इसको आप सभी को अनजिप करना है। तो इसे अनजिप करने के लिए इसके ऊपर आप सभी को जो है एक बार क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे आप जो है एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है और ये अनजिप हो जाएगा। जैसे ये अनजिप होता है, अनजिप होने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा, इसे ओपन करना है। तो यहाँ से फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है फॉन्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो इन सारे फॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने रियलमी डिवाइस में। तो यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ से कोई भी मैं एक फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो फॉन्ट है इसे यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको क्या करना है, फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को इंस्टॉल यहाँ पे कर देना है। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे ओपन का कोई ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे बस डन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी तक जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप सभी को सेटिंग्स पे जाना है, और सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप सभी को थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज रीजन है यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीजन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो इंडिया होगा इसको म्यांमार सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे म्यांमार सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद यहाँ पे आप सभी को चले जाना है यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एक नया ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, सपोर्ट डाई कैरेक्टर, तो इसे आपको एनेबल करना है। तो जैसे आप इसे एनेबल कर लेते हैं, एनेबल करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से जो आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जो जिप फाइल का लिंक दिया है वहाँ पे और भी बहुत सारे फॉन्ट है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि यहाँ पे जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इसे कैसे फिक्स करेंगे, तो इसे फिक्स करने के लिए एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे चले जाना है डेट एंड टाइम पे, और फिर यहाँ पे क्लिक करना है आप सभी को टाइम जोन में, और टाइम जोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर म्यांमार होगा, तो इसे आपको जो है इंडियन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इंडियन का जो टाइम जोन है वो है कोलकाता, तो यहाँ से मैं कोलकाता सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जल्दी से कोलकाता यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर देख पा रहे हैं अब जो टाइम ठीक हो चुका है। तो इस तरह से जो आप टाइम को भी फिक्स कर सकते हैं।